हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनके हम डेफिनेशंस देखते हैं। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, लेट ए बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड वी बी आर नॉन जीरो वेक्टर, और वी जो है नॉन जीरो वेक्टर को किस तरह से है, ए बी बराबर लेमडा बी, ए बी बराबर लेमडा बी फॉर सम स्केलर लेमडा, किसी स्केलर लेमडा के लिए, देन वी कॉल द वेक्टर वी एज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। उस कंडीशन में जो वी जो होता है वो एक आइगन वेक्टर कहलाता है, एंड वी कॉल स्केलर लेमडा जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू वी कहलाती है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिटरमाइन इफ द गिवन वेक्टर्स यू एंड वी आर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ ए, इफ यस फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए एसोसिएटेड टू आइगन वेक्टर्स। तो मैं यहाँ से जब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ये नेक्स्ट या इसी वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि ए ये है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास वी जो है वो आइगन वेक्टर है। तो ये चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे हम ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास -6 0 2, यानी ए बी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसका फिर इससे और इस पूरे इससे और इसका इससे, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा। मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन हर किसी को पता होता है, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो -3 0 1 जो भी हो गया 2 वी, एंड जो वी था वी के इक्वल ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी जो है वो आइगन वेक्टर है, और आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास 2, जो कॉन्स्टेंट है वो 2 जो है वो आइगन वैल्यू है। इसीलिए इसी तरह हम यू के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे यू के लिए भी चेक करेंगे तो यहाँ पे यू के लिए ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 0 6 4 0 6 4, और ये हमारे पास इधर क्या है -1 2 1, -1 2 1। तो ये कभी किसी कंडीशन में इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी लैम्डा से अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले भी लें तो 0 3 2, तो भी ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये इस कंडीशन में जो है हमारे पास यहाँ इसकी ये जो है आइगन वेक्टर नहीं है, आइगन वेक्टर नहीं है तो ये आइगन वैल्यू भी नहीं होगी, तो इसकी ये आइगन वेक्टर भी नहीं है तो ये आइगन वैल्यू भी नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ वी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, अगर वी जो है वो आइगन वेक्टर है ए का, इफ यस फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए एसोसिएटेड टू वी। तो ये हमारे पास सिंपली इसी तरह का एग्जांपल है, तो ए भी हमने निकाला, तो ए भी निकालने पे हमारे पास सिंपल ए ये है वी, तो ए भी निकाला, ए भी निकालने पे बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें इफ लेमडा बराबर 0, यानी अगर हम लेमडा बराबर 0 कॉमन ले लें यहाँ पे तो 0 1 1 1, तो ये 0 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेमडा बराबर 0 जो है वो इसकी आइगन वैल्यू है और ये आइगन वेक्टर है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आइगन वैल्यू यहाँ तो अब तो हम रिलेशन देखा था हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में। अगर अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो ए वी माइनस लैम्डा वी, अगर यहाँ से हमने वी कॉमन ले लिया तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ से हमें अगर या कहें मोड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई या डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो वहाँ पे लैम्डा की जो जो वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू जो होती है आइगन वैल्यू होती है। और बेसिकली ये क्या कह रहा है, वी जो है बिलोंग्स टू करता है नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई से। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, इट इज नो दैट लेमडा बराबर 4 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बराबर, ये है हमारे पास, फाइंड द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास गिवन है कि लेमडा बराबर 4 जो है वो आइगन वैल्यू है, तो और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द बेसिस फॉर आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 4, तो आइगन स्पेस निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई निकालना हो, तो ए माइनस लैम्डा आई जो होगा वो
ए माइनस सॉरी लेमडा, और लेमडा की जगह क्या है, फोर, तो ए माइनस फोर आई, तो फोर और ये मल्टीप्लाई जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से, तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, सिंपली ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए माइनस लेमडा आई बराबर बेसिकली ये आ गया। अब फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं बेसिस फॉर ए माइनस लेमडा आई, तो इसके लिए रो ऑपरेशन से हमें इसको रो इक्विलिन फॉर्म में चेंज करना होगा, तो ये हमारे पास चेंज किया तो ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्म जो आएगी 1 0 0 3 30 0 9 75 0। हेंस इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम इज ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है हमारे पास एक्स बराबर टी -3/2 -5/2 एंड 1। अब ये सॉल्यूशन कैसे आया, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अब फ्री फ्री वेक्टर्स की बात करें, फ्री नंबर्स की, फ्री वेरिएबल्स की बात करें तो फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, बेसिकली थ्री, यहाँ पे एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, और ये रैंक इसमें रैंक जो है वो है इसके टू, और नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है थ्री, तो 3 -1 जो है यानी 3 -2 यानी 1 जो है वो वेरिएबल फ्री वेरिएबल है, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी हमारे पास x1 + 3x2 + 9x3 = 0, और यहाँ से बनेगी 30x1 + 75x2 = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर x3 यहाँ पे x3 है, x3 बराबर 1 ले लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम x3 बराबर क्या ले रहे हैं, बेसिकली अगर उन्होंने t लिया है तो t ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास x1 सॉरी यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो x2 + x3 बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 = -75/30 t, तो ये हो गया -5/2 t, तो बेसिकली ये आ गया, और यहाँ टी कॉमन ले लिया, और इस तरह से x1 की वैल्यू भी हम इसमें x1 और x2 और x3 की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू जा जाएंगे हमारे पास। देयरफॉर टी इज आर्बिट्री आर्बिट्री स्केलर, टी जो है वो आर्बिट्री स्केलर है, देयरफॉर द आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 4 इज, जो आइगन वैल्यू सॉरी आइगन स्पेस ऑफ ए जो है वो है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा स्क्वायर 4 इक्वल टू, ऐसे ऐसे जो सेट्स ऐसे वेक्टर्स जो कि इसके द्वारा जनरेट किए जा सकते हैं, टी के अलग अलग वैल्यू के लिए जनरेट किए जा सकते हैं, या इसको हम कहें स्पेन, अगर हम 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो -3 -5 -2, तो स्पेन वी, तो इस तरह से, एंड वी इज द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस, और उसके लिए जो बी जो वी जो होगा वो आइगन स्पेस के लिए बेसिस होगा, द वेक्टर वी इज द कोर्स ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ए विद आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 4, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स एनी मल्टीपल ऑफ ए इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ ए विद लैम्डा इक्वल टू 4, यानी कि इसका कोई मल्टीपल, बेसिकली हम जब टी की जो भी वैल्यू होंगे उसको लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए वो उसका आइगन वेक्टर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स ये एग्जांपल लेंगे जिससे हम और क्लियरली आइगन वेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।